स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। तो जो सिक्किम स्टेट है उसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया ब्लू ड्यून को। तो जो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी बारे में होगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। इन्वायरमेंट डे वाले दिन 5 जून को जो सिक्किम के CM है मिस्टर प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो ब्लू ड्यूक होगी वो स्टेट की बटरफ्लाई होगी। तो जो आउट ऑफ 720 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड इन सिक्किम, ब्लू ड्यूक वॉज सिलेक्टेड एज स्टेट बटरफ्लाई। मतलब जो सिक्किम है वहाँ पे ऑलमोस्ट 720 जो स्पीसीज हैं बटरफ्लाइज की वो पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधा ब्लू ड्यूक को मतलब सिलेक्ट कर लिया। ये ब्लू ड्यूक की फ़ोटो है। तो इन्होंने ना यहाँ पे ये करवाया था, सर्वे कराया था। तो दो उसमें जो स्पीसीज थी उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े। एक तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू ड्यूक, और ये ब्लू ड्यूक है, और ये जो दूसरी थी बटरफ्लाई थी वो थी कृष्णा पीकॉक, ठीक है। तो जो ब्लू ड्यूक है आपकी उसको 57% वोट मिले, और जो कृष्णा पीकॉक थी उसको 43% वोट मिले। तो जो ब्लू ड्यूक थी हमारी वो उसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ड्यूक के बारे में। ब्लू ड्यूक गोज बाय द साइंटिफिक नेम ऑफ पर्सोना बसरौना दुर्गा दुर्गा इज़ अ यूनिक टू सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जनरली इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ सिक्किम में नहीं पाई जाती, ईस्टर्न हिमालयस में भी पाई जाती है। उसके अलावा इट वॉज डिस्कवर्ड इन द स्टेट इन 1858, ठीक है, 1858 में सबसे पहले पाई गई थी। उसके अलावा जो बाकी जो ग्रेड बी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बस इतना ही याद रखना है कि जो ब्लू ड्यूक है वो किनकी वो है स्टेट, वो है बटरफ्लाई है, ठीक है। और इस बार मतलब इसी साल में ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स ने ना अपनी स्टेट बटरफ्लाइज डिक्लेयर की हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी आगे जाके करेंगे। उसके अलावा ब्लू ड्यूक इज फाउंड एट द ऑल्टीट्यूड बिलो 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर तक की ऑल्टीट्यूड तक ये पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, पाक्योंग, ठीक है, पासिंगदोंग, उसके बाद ही गया थांग इन डोंगजू, ठीक है, ये यहाँ यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा एक जगह है लिंगी इन साउथ सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, और वेस्ट सिक्किम में भी पाई जाती है। और उसके अलावा ये जो ब्लू ड्यूक है इट फॉल्स अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, ये शेड्यूल 2 के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे कि अभी देख लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। अच्छा, इस चीज़ को भी नोट करके रखो, इस पे भी सवाल आ जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था, ठीक है, तो वो आया था 1972 में। उसमें ना डिफरेंट ये दिए हुए हैं, शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या क्या कवर होता है। इसमें कवर होती हैं जो जितनी भी हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना वो कवर होती हैं, और जिनको बिल्कुल भी हंट नहीं किया जा सकता, और इनकी जो ट्रेड है वो भी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो ये तो आ जाती हैं हमारी इसमें शेड्यूल 1 में। उसके अलावा शेड्यूल 2 में शेड्यूल 2 देखते हैं। अब शेड्यूल 2 में आती हैं, शेड्यूल 2 इज ऑल्सो अकॉर्डेड हाइएस्ट प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, स्पीसीज अंडर दिस कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट दे आर इंडेंजर्ड टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। जो सबसे हाइएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है ना वो इसमें मिली हुई है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, ठीक है। इसमें जो उनकी हंटिंग और उनकी जो ट्रेडिंग है, ठीक है, पोचिंग और ट्रेडिंग इनकी मतलब बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, ठीक है। जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1 है उसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो शेड्यूल 2 है उसमें सिर्फ उस केस में उस किसी पर्टिकुलर जानवर को मारा जा सकता है जो शेड्यूल 2 में है, अगर वो कॉज कर रहा हो ह्यूमन लाइफ को डेंजर, ठीक है।
उसके अलावा शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में जो स्पीसीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है जो कि इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है। अंडर द शेड्यूल द पेनल्टी फॉर एनी वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट टू शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो 1 एंड 2 के कंपेरिजन में थोड़ी लेस है। उसके अलावा जो हमारा शेड्यूल 5 है उसमें दिस शेड्यूल इंक्लूड्स एनिमल दैट कैन बी हंटेड, ठीक है। इसमें वर्मिंस आ जाते हैं, वर्मिंस होते हैं आपके जैसे रैट्स हो गए, चूहे हो गए और उसके अलावा पिजन्स, ठीक है, ये भी वर्मिंस में आ जाते हैं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 6, इसके ऊपर यूपीएससी सवाल भी पूछ चुकी है। शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स आते हैं, असल में ये प्लांट्स के लिए होते हैं शेड्यूल 6 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिनकी ना जिनको फॉरबिड किया गया है कल्टीवेशन से, ठीक है। इसमें वीड हो गई, ठीक है, ऐसे प्लांट्स, और अगर इनकी कल्टीवेशन करनी हो तो उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो बटरफ्लाइज हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली बटरफ्लाइज ना उसका काम करती हैं, दे एक्ट एज अ जो ये पोलन ग्रेन्स है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ठीक है, और ये फूड चेन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और दूसरा, बटरफ्लाइज अगर ना हो ना तो यहाँ पे हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये मतलब बहुत रोल प्ले करती हैं उसमें। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि ये पोलन ग्रेन्स लेके जाती हैं जिससे क्या कहते हैं जो प्लांट होती है उनमें रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसफर ना करें तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो हो नहीं पाएंगे, जिस वजह से जो अर्थ पे जो लाइफ होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये देख लो, स्टेट बटरफ्लाइज देख लो, महाराष्ट्र की है ब्लू मरमन, ठीक है, ये वाली, ये जो फर्स्ट शो हो रही है ना, ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। उसके अलावा जो कर्नाटका की बटरफ्लाई है वो है सदर्न बर्ड विंग, ठीक है, ये वाली दो नंबर वाली ये है उसकी कर्नाटका की। उसके अलावा उत्तराखंड की है कॉमन पीकॉक, ठीक है, ये 3 वाली, ये कॉमन पीकॉक है, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु की है तमिल डियोमैन, ये वाली येलो कलर की, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ है केसरे हिंद, ठीक है, इस पे भी सवाल पूछा था केसरे हिंद, ये फिफ्थ वाली है, ये अरुणाचल प्रदेश की केसरे हिंद, और ये केरला की है बुद्धा मयूरी, ठीक है। और जो लास्ट वाली है सिक्किम की ब्लू ड्यूक, ठीक है, उसकी फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। तो ये तो थी हमारी बटरफ्लाइज, ठीक है। तो जो आज की जो क्लास है वो यहीं तक थी, तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसमें अप्लाई करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।